तो अब चौथे पार्ट पे आते हैं चौथा पार्ट अलग से हेडिंग डालिए ठीक है चौथे पार्ट पे अलग से आते हैं बीच में लिखिएगा क्योंकि यह जो पार्ट है यह भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है यानी इसको अगर ऐसे करेंगे तो यह ऐसे है। मैंने कहा कि सेलुलर को अलग से हेडिंग डालिए नहीं तो उसके नीचे ही हम लोग लिख लिए होते तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है कोशिकीय चरण वाली अवस्था है यह भी क्या होती है दो स्टेप में कंप्लीट होती है कौन कौन सी लिखिएगा ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेप का चक्र क्या हुआ बताओ बताओ पेन तो नहीं था काफी देर तक मैंने जज कर लिया देख लिया कि क्या बात हो रही फिर मैंने पूछा तो बहाना एक्सक्यूज करना का मतलब तो ठेका आप लोग रखे अच्छे से कि कुछ भी करें हम बहाना क्या बनाएंगे डिफाइंड है लिख लिया इतना Glycolysis नाम पहला कहा सुन, सुना था वो तो ग्लाइकोलिसिस था कि ग्लाइकोजेनेसिस था देखिए कंफ्यूज इसी में होते हैं हम लोग ध्यान रखिएगा वो ग्लाइकोजेनेसिस था जो क्या है इंसुलिन की सहायता से क्या होता था ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता था कन्फ्यूज मत होइएगा वो अलग चीज है ये अलग चीज है कभी कभी दो स्टेटमेंट बनेगा एक में ग्लाइकोजेनेसिस की बात करेगा और दूसरे में ग्लाइकोलिसिस की बात कर देगा और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजेनेसिस जो है जेनेसिस जन ग्लाइकोजन बना रहे थे तो जेनेसिस से। ये लिसिस है ठीक है तो ध्यान रखिएगा दो पार्ट में ये कंप्लीट होता है ग्लाइकोलिसिस और साइकिल एक एक के बारे में पहले लिख लीजिए जितना लिखना है फिर समझाते हैं ऐसे पॉइंट वाइज लिख लीजिए पहले इसमें जितना बोलेंगे सब लिखिए किसमें लिखेंगे आप ग्लाइकोलिसिस में लिखेंगे लिखिएगा लिखिएगा देर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन दिस स्टेज इस चरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती जैसे ही आपने ये वर्ड लिखा आपका एंटीना सिग्नल कैच करेगा क्या अच्छा ऑक्सीजन नहीं यूज होती मतलब ऊर्जा ज्यादा नहीं बनेगी एनर्जी ज्यादा नहीं बनेगी क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है ऑक्सीजन यानी देखिए लिखते रहिए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहिए कि कब कहाँ कैसे क्या है रिलेट करेगा जैसे ही आपने लिखा कि ये क्या है इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता यानी अब आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब ऊर्जा बनेगी तो कहां बनेगी अगले वाले में बनेगी जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं हो रहा है तो ऊर्जा हमेशा क्या है ऑक्सीजन की सहायता से ही ज्यादा अमाउंट में बनेगी अभी आपने ऊपर ही लिखा था थोड़ी देर पहले ही लिखा था तो यानी कि अब बिना पढ़े आप एक बात क्लियर हो गए कि मेन एनर्जी किसमें बनेगी क्रेप साइकिल तो लिखेगा इसमें देर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेज दैट्स वाई इट हैपन्स बोथ इन ऑक्सी एंड अनऑक्सीन श्वसन के इस चरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती अतः यह ऑक्सी एवं अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है क्योंकि हम लोग ऑक्सी डिटेल कर रहे हैं तो अनाक्सी जहां जहां रिलेट हो रहा है हम रिलेट करके क्या कर दे रहे हैं लिख दे रहे हैं इसलिए यह ऑक्सी एवं अनाक्सी, यानी वायवी एवं अवाय दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है देखिएगा दिस होल स्टेज मान लीजिए ये पहली लाइन आपको नहीं लिखवाई गई होती डायरेक्ट दूसरी लाइन लिखवा रहे हैं लिखिए दिस होल स्टेज कंप्लीट्स इन साइटोप्लाज्म यह पूरा चरण जीव द्रव्य में संपन्न होता है। पहला स्टेप नहीं लिखवाया गया साथ सीधे यह लिखवाते तो भी आपका दिमाग क्या है एंटीना सिग्नल कैच करता अच्छा यह जीव द्रव्य में हो रहा है तब तो यहां भी ऊर्जा नहीं बनेगी क्यों क्योंकि आप जानते हो कि कोशिका के अंदर ऊर्जा कहां बनती है जितने तरह से घुमा सकता है एग्जाम में मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं कि इतने तरीके से आपके एग्जाम में घुमा सकता है तो जैसे ही आपने लिखा कि यह क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है कोशिका द्रव में संपन्न होता है इसका मतलब हुआ कि एनर्जी यहां भी नहीं बनेगी लिखिएगा दूसरा दिस स्टेज स्टार्ट्स विथ

दो अणुओं से एटीपी के दो अणुओं से शुरू होकर एटीपी के दो अणुओं से शुरू होकर चार अणुओं पर संपन्न होता है चार अणुओं पर संपन्न होता है जिस कारण इस चरण में जिस कारण इस चरण में एटीपी के दो अणुओं की हानि होती है एटीपी के दो अणुओं की हानि होती है यही स्टेटमेंट एक बार यूपीएससी दिया था आईएस के एग्जाम में अब स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए सेम स्टेटमेंट था स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है अरे कोई बिजनेस दो रुपए से शुरू किए और बिजनेस संपन्न हुआ तो आपके पास कितना रुपया हो गया चार रुपया हो गया तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ ना तो एग्जाम में जो पूछा था वहां वो स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग तो यहां रॉन्ग क्यों लिखेंगे वहां गेन जहां लॉस लिखे हो वहां काट के करिए गेन गेन होगा ना लॉस नहीं होगा गेन होगा हानि नहीं होगी प्राप्ति होगी लाभ होगा दो अणुओं का लाभ हुआ ना नहीं समझ में आ रही बात अरे दो एटीपी के दो मॉलिक्यूल से शुरू किए चार मॉलिक्यूल हो गया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ ना तो वही लिखना था यहां ठीक है तो वहां लिख लो प्रॉफिट गेन लाभ हुआ क्यों ऐसे लिखवा कटवा थी? एक बार काटे हो काट के दोबारा लिखोगे तो एग्जाम में याद रहेगा अच्छा सर कटवाए थे और दूसरी बात इसलिए कि जिस लैंग्वेज में जिस स्टेटमेंट में यूपीएससी ने पूछा है वो मैंने आपको लिखवा के बता दिया कि इस तरह से गलत स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया था और पूछा था दो तीन स्टेटमेंट था उसके साथ पूछा था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं था ये स्टेटमेंट गलत था नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें बाई ब्रेक डाउन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में बाई ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज by breakdown of one molecule of glucose two molecule of pyruvic acid formed in this stage इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से पायरुक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है पायरुक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है ठीक फिर लिखिएगा वेन इट हैपन इट मतलब दिस प्रोसेस When it happens next point, here, when it happens in our body muscles, your yeah, muscles, when it happens in our muscles, your yeah, body muscles, it forms lactic acid. it forms lactic acid. and by the deposition of this lactic acid, We feel fatigue tiredness. Full stop. हमारे शरीर के मांस पेशियों में संपन्न होकर अच्छा एक तरफ देखो बाएं तरफ देखो तो यहां से दिखता है सुखरात आईएस और दाएं तरफ देखो तो आईएस बाबा ठीक ठीक है तो हमारे शरीर के मांसपेशियों में संपन्न होकर क्या चरण या इस आ, या चरण, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है हमारे शरीर की मांसपेशियों में संपन्न होकर यह लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है तथा इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने पर तथा इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने पर हम थकान की अनुभूति करते हैं हम थकान की अनुभूति करते हैं या थकान महसूस करते हैं फील करते हैं जो लिखना हो चार पांच काम की बातें लिखा आपने ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि सब एक मिनट में पांचों चारों पॉइंट दोहरा लीजिए और बताइए कि हमारी बॉडी में मेनली ये हुआ क्यों इसका मेन प्रोडक्ट क्या है क्यों हमारे शरीर में यह हुआ क्यों हुआ भाई हमारे शरीर में ये क्यों ये स्टेज क्यों संपन्न हुआ क्या बनाना था शरीर को लैक्टिक एसिड यानी थकना था शरीर को हमारे शरीर को चाहिए था एनर्जी लेकिन आप जानते हो लिखते हो डायरेक्ट की ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से लेकिन अब समझिएगा कि डायरेक्ट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता यह स्टेज किस लिए हुआ है एक ही वर्ड तो मैंने इसमें लिखा था बोर्ड पे यही देख लिए होते पायरुक एसिड यानी ग्लूकोज से बनता है पहले पायरुविक एसिड और ये यहां जाएगा तो क्या करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ठीक अभी आप समझिएगा तो हमारे शरीर के मांसपेशी में क्या होता है जब हम नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा काम करते हैं जैसे मान लीजिए आप पहले आप गेम खेलते थे टेन ट्वेल्थ में थे ठीक तो जैसे मान लीजिए मैं अपने जब पढ़ता था तो गेम खेलता था क्रिकेट खेलता था अब जो मेरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जूनियर हैं ठीक है वो कहीं मिल जाए गेम खेलते हुए कि आइए भैया आइए भैया खेलिए आपको भी जोश चढ़े चलो आज खेल ही लेते हैं तो रोज अगर वो गेम नहीं कि आप कोई भी गेम खेलते हो हॉकी खेलते हो फुटबॉल खेलते हो बास्केटबॉल खेलते हो वॉलीबॉल खेलते हो एक्सरसाइजेड तो अब जब खेलने जाओगे तो वो रोज से एक्स्ट्रा काम हो गया और वहां खेलने जाओगे तो आपको अपनी पुरानी इज्जत बचा के रखना है क्योंकि वो बच्चे आपको तभी इनवाइट किए कि अच्छा ये पहले बहुत नाम था इनका खेलते थे यहां क्या है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नाम लिखा हुआ यूनिवर्सिटी प्लेयर में कि ये भी थे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट करते थे तभी तो आपको नहीं तो आते जाते तो बहुत सीनियर है किसी को क्यों बुलाएंगे खेलने के लिए यानी आप कभी अच्छा खेलते थे और उसके लिए आपको बुलाए यानी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे जब बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो उस दिन मान लीजिए आप बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो या फील्डिंग एकदम की तरह करने लगे ठीक है लैंडमार्क अभी भी किसी इसको नहीं माना जाता कि बहुत बढ़िया फील्डिंग करता है ये या आपका जो कैप्टन है विराट कोहली है या एक्स वाई जेड अभी भी लैंडमार्क जॉन्टी रूट ही है यानी कि उनके अगल बगल से गेंद निकल नहीं पाती थी कैसे भी मारिया तो या फुटबॉल में फॉरवर्ड करते हैं या सेंटर खेलते हैं जो भी खेलते हैं तो दौड़ते हैं खूब तो अगले दिन मान लीजिए आप दिन भर यहाँ खेले एक आध घंटा खेले आप अपनी इज्जत बचा लिए किसी तरह से ठीक अब अगले दिन गए आप आराम किए अगले दिन होता कि उठते हैं तो ये पैर जो है अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है लगता है कि कोई इसको पकड़ के खींचे तो हम चलें या हाथ से काम किए हैं तो हाथ अब इसके ऊपर क्या है उठ ही नहीं रहा है लगता है कोई पकड़ के खींचे तब ये ऊपर उठे ऐसा फील हुआ है होता है समझिएगा जब जिस अंग से हम नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा काम करते हैं नॉर्मल से एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एनर्जी आप जानते हो दो चीज से बनेगी एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन तो पहली बात तो जैसे ही एक्स्ट्रा काम करते हैं हम आप हाफने लगते हैं कहते ना हाफने लगे हम बोलचाल की भाषा में यही सब्जी की जगह यही कहते हैं ना हम क्यों हाँपते हैं भाई क्योंकि अब हमें अधिक ऊर्जा बनाना है अधिक ऊर्जा बनाने के लिए दो ही चीज चाहिए मैंने बनाया एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन ग्लूकोज तो आपकी बॉडी में पहले से जो खाए पचाए रखे हैं वो है ऑक्सीजन नहीं है तो अधिक ऊर्जा बनाने के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए अधिक ऑक्सीजन के लिए अधिक गैस आपको अंदर ले जाना है और अधिक गैस ले जाने के लिए नाक के छेद छोटे पड़ जाते हैं तो मुंह खोल के हम ढेर सारी गैस क्या करते हैं है। तो इसीलिए हम हाफते हैं जैसे ही है कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू करते हैं हम हाफना शुरू करते हैं क्यों हाफना शुरू करते हैं क्योंकि अधिक एनर्जी की जरूरत के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए अधिक ऑक्सीजन के लिए अधिक एयर कंज्यूम करना है और अधिक एयर अंदर ले जाने के लिए नाक के छेद क्या हो जा रहे हैं छोटे पड़ जा रहे हैं अब जब जाएगी ऑक्सीजन तो प्रॉपर चैनल में अंदर फेफड़े के पास जाएगी फेफड़ा फिर उनको ब्लड में मिलाएगा ब्लड में से फिर कोशिका के पास जाएगी कोशिका में आएगी फिर ये ग्लाइकोलिसिस होगा फिर पायरो एसिड बनेगा फिर क्रेप साइकिल में जाएगा और क्रेप साइकिल के बाद एनर्जी बनेगी इतना टाइम बॉडी में नहीं है कि आप पैर उठा लिए अब इतने पे रुका हुआ है पैर के आगे एनर्जी बने तो चले फिर नहीं रुक सकता तो फिर क्या करती है बॉडी की मसल्स जो हैं इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन मसल्स के पास ग्लूकोज पहले से है और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ही रेस्पिरेशन है तो वो थोड़ी वो क्या वो क्या करती है वो कुछ ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन ही तोड़ देती हैं ब्रेक कर देती हैं जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ देंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब तक प्रॉपर चैनल से एनर्जी तो बनी रही है और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है बट बाई प्रोडक्ट जो है विदाउट ऑक्सीजन की अगर ग्लूकोज आपने ब्रेक किया तोड़ा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है लैक्टिक एसिड अब चूंकि आपके शरीर में एनर्जी बन रही थी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर पे लैक्टिक एसिड बना है अब काम करना आपने बंद किए तो बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा कम होगा तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम होने का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आया वो लैक्टिक एसिड उन्हीं मसल्स में क्या हो जाती है डिपॉजिट हो जाती है जमा हो जाती है और फिर वो हमें दर्द की अनुभूति कराती है जैसे मैंने बताया पैर लगता है कि कोई पैर पकड़ के खींचे तो चले या हाथ पकड़ के उठाए तो उठे अब यहां थोड़ा हमें सावधानी की जरूरत पड़ती है ध्यान रखिएगा क्या कि यहां जो सबसे निकृष्ट काम होता है जो नहीं करना चाहिए वही मैं भी करता हूं वही आप भी करते हो क्या पेन किलर नहीं खाना चाहिए लेकिन आपका रूटीन है आगे कल काम कोई है उठे दर्द कर रहा हाथ पैर बहुत ज्यादा आपने क्या किया पेन किलर लिया सही हो गया तो पेन किलर जो है रूट पे असर नहीं करता यानी वो एक्चुअल काज कारण का निवारण नहीं करता पेन किलर करता क्या है पेन किलर करता है कि पेन का सेंस ब्रेन तक पहुंचाने वाली कोई चीज हमें फील कब होगा जब उनकी उसकी इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी ब्रेन के पास एक एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया याद आ गया बता दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछा गया कि शरीर का कौन सा अंग है जिसे दर्द की अनुभूति नहीं होती तो ब्रेन जो है सबका दर्द फील करवाता है अगर खुद दर्द में रहेगा तो सारे अंग काम करना भूल जाएंगे क्यों तो उसको उसको कहिएगा कि ब्रेन में जो है खुद का पेन रिसेप्टर नहीं होता साइंस की भाषा में कहें तो ब्रेन में खुद का पेन रिसेप्टर नहीं होता इसलिए ब्रेन को खुद का दर्द नहीं होता अब यहां जिस भी बॉडी ऑर्गन में लैक्टिक एसिड जमा हुई थी वहां से नर्व्स ने क्या किया वहां जो जो नर्व्स ये पेन का सेंस ब्रेन तक पहुंचा रही थी फील करवा रही थी ये पेन किलर क्या करता है उन नर्व्स को पार्शियल पैरालाइज कर देता है। पार्शियल पैरालाइज करने का मतलब कुछ समय के लिए वो नर्व्स अपना काम नहीं करेंगी जब वो नाम अपना काम नहीं करेंगी तो पेन का सेंस ब्रेन तक पहुचेगा, नहीं पहुंचेगा हमें लगता हम ठीक हो गए हम अपने काम में लग जाते हैं तो बेसिकली ठीक कैसे होते हैं ये भी समझ लो जब हम अपने काम में लगते हैं फिर अपना रूटीन वर्क करने लगते हैं तो हमारी बॉडी फिर से हीट होती है लेकिन अब उतना हीट नहीं होती क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी हीट होती है वो लैक्टिक एसिड मेल्ट होके ब्लड स्ट्रीम में आता है और वहां आने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो खत्म हो जाता है वहां आने के बाद ऑक्सीड यानी वो ठीक कैसे हुआ हम बस काम करना शुरू कर दिए वो मेल्ट होके गया तो हमें किसी भी चीज को बार बार पार्शियल पैरालाइज कर रहे हो तो इट मे भी पॉसिबल कि कभी आपने पार्शियल पैरालाइज करने की कोशिश की और वो हो जाए परमानेंट पैरालाइज अब परमानेंट पैरालाइज हो जाएगा तो जीवन में दर्द की अनुभूति खत्म हो जाएगी जीवन में कभी दर्द ही नहीं होगा सोचो कितना अच्छा होगा अच्छा होगा कि बुरा होगा बहुत बुरा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दर्द से ही समझ में आती हैं ठीक है अब आपके स्किन कट गई ब्लीडिंग हो रही है आपको पता ही नहीं चल रहा है दूसरा बताया अरे भाई देखो कितना खून बह गया आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो पेट में प्रॉब्लम पेट कैसे इंडिकेट करता है दर्द आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो दो ही सिम्टम है रेडनेस और दर्द तो इंडिकेटर है दर्द अगर ये खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी तो हमें करना क्या चाहिए हमें वो करना चाहिए जो बहुत पहले से लोग करते कि पहले का समाज भी बहुत ही साइंटिफिक समाज था मैंने बताया ना पीछे तुलसी और बरगद और बरगद ने पीपल वाली बात अब समझिएगा आप अपने समाज में देखे होंगे अभी भी कहीं कहीं गांव में ये रीति रिवाज जो है वो जिंदा है यानी चलन में है क्या कि जब घर में कोई गेस्ट आता था तो एक बड़ी सी थाली या परात समझते हैं उसमें पानी लेके उनका पैर अच्छे से धुला जाता देखे हैं। तो ये क्या, ये क्यों करते थे वो इसलिए करते थे कि वो साइंटिफिक रीजन था आज तो सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए करते हैं कि वो प्रथा चली आ रही है आज उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है लेकिन पहले उसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी और इसीलिए उसको क्या सम्मान से जोड़ दिया गया था कि पानी लेके धुलना तो शुरू में होता क्या था पहले ट्रांसपोर्ट के इतने मींस नहीं थे यानी आज सबके सबके घर घर में कार है, है। घर में कार कार है 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 बाइक बाइक या नहीं भी है, तो रोड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया पहले इतनी गाड़ियां नहीं होती थी लोग क्या है दिन भर में उस रूट पे एक दो बस चलती थी या एक दो ट्रेन भी होती थी यानी वो आपका घर अगर बस अड्डे से मार्केट से तीन चार किलोमीटर दूर है तो आपके पास एक ही साधन था या तो बैलगाड़ी का गाड़ी पे बैठ के आइए या तो पैदल आइए फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस या ट्रेन आती थी उसमें ठूस ठूस के लोग भर जाते थे क्योंकि जानते थे एक ही है ये फिर आप अपने उस रिलेटिव के घर गए तो रिलेटिव का घर भी कोई जरूरी थोड़ी कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के बगल में है वो भी चार किलोमीटर दूर है तो फिर उधर से चार किलोमीटर आपको पैदल चलना या उसी इक्का या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से चलना तो आदमी का शरीर थक जाता था अब आप किसी रिलेटिव के गए तो करने गए ना बातें करेंगे इधर का हाल चाल बताएंगे उधर का हाल चाल लेंगे इंजॉय करेंगे एक दिन दो दिन रुक चले आएंगे या उसी दिन हो सकता चले आए अब यहाँ से उनके पास पहुंचे तो उधर पैर दर्द कर रहा है उधर कमर दर्द कर रही है उधर सर दर्द कर रहा है अब बेचारे आप तो परेशान हैं जिनके यहाँ पहुंचे उनको भी परेशान करती है तो ये पहले क्या होता था उस बर्तन में परात में थाली में गर्म पानी लेके लोग पैर धुलना शुरू करते थे जब पैर धुलोगे तो वो हीट एनर्जी क्या होती थी पैर से शरीर में घुसती थी और जब शरीर के अंदर जाती थी तो जहां जहां लैक्टिक एसिड जमा होता था सारे लैक्टिक एसिड को वो मेल्ट करती थी और लैक्टिक एसिड मेल्ट होके ब्लड स्ट्रीम में आता था दूर यानी पहुंचते ही सबसे पहले उनकी थकान दूर की जाती थी दबा दबाएंगे तो तो आज भी अब तो घर में अपने ही बच्चे से कह दो कि बेटा थोड़ा यार बेटी थोड़ा पैर दबा दो यार क्यों दबाए नहीं पता कॉन्वेंट स्कूल में पता नहीं क्या सिखाया जाता है हम लोगों के समय में माता पिता तो दबवाते थे पड़ोस वाले चाचा भी दबवा लेते थे कि चलो दबाओ और पिताजी देखते थे तो बोलते भी नहीं थे बल्कि किनारे बुला के उनका क्यों दबाते हो और घर में नहीं दबाया जाए पैर किसी का गया कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो धमकी मिलती थी चलो स्कूल में बताते हैं तुमको तुम्हारे टीचर से शिकायत कर देंगे और किस टीचर का नाम लेते थे उस समय हर स्कूल में एक टीचर इसीलिए रखा ही जाता था कि पीटना है बस अभी तो आप लोग मार नहीं खाते होंगे लेकिन हम लोगों के समय तो हर इस... मतलब एक टीचर इसीलिए परमानेंट रहता ही था उसको कुछ ना कुछ खोज के पीट देना है आठ घंटे में अगर किसी दिन में बच के वापस आ गए तो लगता था आज गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं सब किसी न किसी में पिटा जाता था सब बच गए हो लास्ट में खुश हो रहे हो सातवा आठवां पीरियड की अब बच गए अब हिंदी का पीरियड है तब तक पता नहीं कहां से घूमते घूमते आते थे दिखाओ नाखून दिखाओ जूता दिखाओ और क्या करते थे पीट के चले जाते थे तो आज तो क्या है मार ही नहीं पाते तो उस समय लोग डरा के भी काम करवाते थे कि ये काम करो नहीं तो उसी टीचर से शिकायत करेंगे तुम्हारी तो आज तो अपना बच्चा ही कहता क्यों बहुत मान लीजिए बहुत उसका मूड अच्छा है मतलब ये नहीं पूछा क्यों दबाएंगे तो पूछते क्या दोगे सीधे सीधा होता है बारगेनिंग शुरू क्या दोगे अब उसको यही नहीं समझ में तुमको अभी तक जो मिल रहा है वो कौन दे रहा है फिर वो क्या होता है फिर अपने वो अपने घर की परिस्थिति के अनुसार फिर क्या चाहिए उसे चॉकलेट चाहिए या टैब चाहिए अब तो बच्चा इतने जानकार हो गए छोटे कि टैब नहीं चाहिए आईपैड चाहिए तो अब आईपैड में जैसे मैं कहता हूं मेरा वाला आईपैड ले लो आपका क्यों ले इतने दिन से पुराना कर दिए हैं यानी आईपैड भी चाहिए तो क्या चाहिए नया चाहिए तो आदमी कहता रहने दो मेरा मत दबाओ अब ऐसे ही रह लेंगे तुमको आईपैड नहीं देंगे यानी आजकल के बच्चे क्या काम करते नहीं यानी कि अब कहा है अपने से अपना काम करना पड़ेगा आपको तो. यानी अगर आपका कभी पैर हाथ दर्द कर रहा है आप हॉस्टल में पीजी में रहते हो और अपने रूममेट से कहो थोड़ा हाथ दबा दो तो कहेगा अगले दिन से अपने लिए दूसरा रूम खोज देना तो ठीक तो आपको क्या करना है वही मैंने बताया कि पानी थोड़ा सा गुनगुना करिए ल्यूक वार्म करिए और उसमें पैर डाल के पढ़ने बैठ जाइए दर्द भी दूर होगा और साथ ही में अगर आपके पैर में क्रैक्स वगैरह भी है होता है ना तो आप उसमें वैसलीन या अगर ग्लिसरीन है तो जेंट्स तो कभी रखते ही नहीं होंगे 100 परसेंट लेडीज यानी लड़कियों के पास भले से ग्लिसरीन हो तो वो लोग क्या करें पांच रुपए वाली वैसलीन जेली लाइए उसमें भी बचाने की कोशिश मत करिएगा कि आधा इस बार आधा अगली बार के लिए पूरा उस पानी में डाल दीजिए मेल्ट हो जाएगा पैर डाल के बैठिए दो आपकी एड़ियां भी हील हो जाएंगी और शरीर में दर्द हो रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा अवॉइड करना है कि क्या करें पेन किलर कम से कम करेगा यानी पूरे मुद्दे का सार ये मैंने बताने की कोशिश की कि पेन किलर कम से कम इस्तेमाल करिए और आप जानते भी होंगे तो इस तरह से दर्द दूर कर सकते हैं यहां जो मैंने लिखाया था लेक्टिक एसिड वो मैंने समझा दिया और ये प्रोसेस क्यों हुआ ये मैंने पहले ही बता दिया था कि डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनती एनर्जी किससे बनती है ठीक अब आइए क्रेब साइकिल में यहां भी दो चार लाइन लिखिए पहले लिखिएगा इन प्रो इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म इन प्रो

यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है आप जानते हो कि में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता लेकिन अगर वो सजीव है तो एनर्जी तो चाहिए उसे तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो साइटोप्लाज्म ठीक तो यह प्रोकैरियोटिक जीवों के कोशिका द्रव में तथा यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न तो बहुत सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पूछा जाता है वही बता देखिएगा इन टू मॉलिक्यूल ऑफ ए टीपी इस चरण में इसका मतलब दो ही नहीं होता दो दो का चक्र होता है ग्रुपिंग होती है पहले दो फिर दो फिर दो इस तरह से होगा ठीक है इस चरण में एडीपी के दो अणु क्यों ये लिखवा रहे हैं क्योंकि उधर वाला पूछ चुका है दो से चार बनता है वो पूछ चुका है तो कभी इधर वाला भी पूछ सकता है देखिए तो अच्छा एक बात समझिएगा जो पहले बताना चाहिए था इस चरण के बारे में एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब सबसे पहले उन्हीं ने बताया था तो उन्हीं साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए सम्मान देने के लिए इसको कहते हैं क्रेब साइकिल क्रेब का चक्र तो क्रेब कौन थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस चक्र के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे ये ये चीज होता है तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए सम्मान देने के लिए इस चक्र का नाम ही कर दिया गया क्या क्रेब साइकिल क्रेब का चक्र ठीक लिखेगा इस चरण में एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणुओं में बदलते हैं कन्वर्ट होते हैं सीधे, सीधे सीधे सा लिखिए अब छोड़िए उधर लिखिएगा। बाई ब्रेक डाउन ऑफ पायरुक एसिड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बाई ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पायरो एसिड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉमास सीओ टू एंड एच टू ओ फॉर्मड पायरुक अम्ल के विघटन से अधिक मात्रा में ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा CO2 एवं H2O बनता है बेसिकली बनता कैसे बोर्ड पे देखिए इसके टूटने से एनर्जी तो निकलती ही साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग निकलता है ये दोनों मिलके बनाते हैं एच टू ओ और ये दोनों मिलके बनाते हैं सी ओ टू तो ये आपने लिखा कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ठीक हाई अमाउंट में एनर्जी बन गई श्वसन की क्रिया क्या हो गई संपन्न